एडजस्ट माना पेपर डाल दिया मोटर ना गरम आगे बंद बड़ा था मानते जाना तो मतलब हां तन फसल ले ट्यूब भर के दो रे बड़ा बंद ट्यूब कट रहता है हां अब भर के दो हां आधा 10 साल आ जाते 10 मिनट बंद 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 करो डिटेल्स हैंग आ जाते पूरी अंत एडजस्ट माना 1440 आरपीएम है रनिंग का है देखो रनिंग का 24 चार पिच का 118 छह पिच का 180 इसका गेज है 25 सर 25 रनिंग का हो गया इसका वेट 150 ग्राम फोर कॉइल्स चार तो कहे तो 600 ग्राम और फोर पिच का 8 इंच है कॉइल लेंथ 10 छह पिच का 10 इंच है 10 इंच है करेक्ट स्टार्टिंग है 4.4 1.6 करेक्ट है 24 स्लॉट्स 98 टन्स 280 टन्स वो 98 चार पिच का 280 छह पिच का इसका गेज है 28 गेज है 28 इसका वेट है 100 ग्राम इसका लेंथ भी ऐसा है चार कॉइल का 400 कॉइल लेंथ सेम इनसाइड तो कहे तो ये 400 ग्राम है एक किलो आ रहा है ना इसमें छोटा मोटर में एक किलो है भाव में ये सिर्फ एडजस्ट माने एक किलो एक इंच वाले मैं एक किलो 100 ग्राम लेकर आया हूँ ज्यादा लगा 6 एमपी कैपेसिटर ओरिएंट एडजस्ट पैन ओके सारा मोटर का हिस्ट्री है तुम्हारे पास सब डेट वाइज लिखा है अभी ये वाइंडिंग करने का फाइल चालू है सर अभी रनिंग का अल्ट्रा वाइड है ना ये कितना था ये 118 है 118 118 टर्न से ये चार पिच का और छह पिच का 180 है 180 हाँ गेज क्या बोला 25 ओके ऐसा चार कॉइल बनाना150 ग्राम करेक्ट आ गया ना नमस्कार रे एक चार का चार ग्रुप का हाँ इतना जर ज्यादा ही रखना नहीं तो ऊपर का कॉइल बैठ आड़ा कॉइल नहीं बैठता साइज कम किया तो भी पूरा वाइंडिंग खराब हो गया ज्यादा कम 150 ग्राम आए ये कॉइल ये मार्क किया है ना लीड्स का और इसमें और एक इम्पोर्टेंट है सर वाइंडिंग करने का देखो सर पहला वाइंडिंग क्या ना वो वाइंडिंग का छह पिच का यहाँ कॉइल बदल गया बराबर यहाँ पे ये देखो ये होल आता है ना यहाँ पे छह पिच ऐसा बैठने का नहीं तो रॉड आया तो अभी ऐसा है तो वाइंडिंग का ग्राउंड होता है बराबर सही स्लॉट पर चालू करना गलत स्लॉट से नहीं चालू करना बराबर है ये तो मार्किंग किया है छह पिच का ओरिएंट एडजस्ट कर वो आधे किसी के प्यास लगता है अर्धा एचपी कितने वायर है तो इतने उन्होंने अर्धा एचपी पैड बनता है बाहर कैसी वायर है वो 400 ग्राम स्टार्टिंग का 600 ग्राम रनिंग का ये केजी वायर पकड़ता है एडजस्टमेंट ये हाफ स्पीड में 500 ग्राम लास्ट 600 ग्राम आता है रनिंग स्टार्टिंग मिलकर हाँ
रनिंग का 400 ग्राम है इसका। सभी सिंगल पे ही ज्यादा है तुम्हारे पास। अंदर स्पेस है ना बॉडी में, देखो देखो सर ऐसा बढ़ जाएगा, और थोड़ा कम करने का जरा। कौन सा चेपिच का? चेपिच का नहीं तो बॉडी लगता है क्या? हाँ सर देखो बॉडी कार के देखो, जगह ज्यादा रहे तो चलता है ना, जगह चलता है, कम करे तो वाइंडिंग तकलीफ करता है। उधर दोनों तरफ देखो जगह है ना, दोनों चलता है ना। ये भी धागा बनने का स्लो भी कम पड़ता है, शेप भी अच्छा आता है, सेपरेट भी ठीक किया जाता है, इधर का होता थोड़ा पैर में होता करेक्ट है। रनिंग का दो कॉइल फिक्स हो गया। वन टू फोर वन टू सिक्स पिच कंप्लीट हो गया सर। हाँ हाँ सर। ओके थर्ड कॉइल फोर्थ कॉइल हो गया सर, चार कॉइल हो गया, दो तीन चार और चार। रनिंग का कंप्लीट हो गया, कॉइल में बनाने का कैट मोड கிலோ அர்த கிலோ தோங்கலாம் கிலோ தோணப்போ நான் கடை வாங்க போட்டேன் போச்சு பாரு